हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। लो जी, वीकेंड हो गया है स्टार्ट, और वीकेंड के साथ ही हम भी एक बहुत इंटरेस्टिंग गाइस टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे जी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के बारे में। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के बारे में बात करेंगे जी, एसओपी के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है गाइस। अगर मैं कनाडा वीजा की बात करूं, स्टडी वीजा की बात करूं, एसओपी जो होता है गाइस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, राइट। तो एसओपी इफेक्टिव होनी बहुत जरूरी है। लोग यहीं पे गाइस गलती कर जाते हैं और फिर बाद में उनका रिफ्यूजल आ जाता है, बट हमने ये वाली गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो आज हम एसओपी के बारे में बात करेंगे। मैं अपनी एसओपी गाइस आपको दिखाऊंगा। बहुत सारे लोगों के मुझे क्वेश्चन आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, सर एसओपी भेज दो, एसओपी भेज दो। लो जी, आज मैंने वीडियो ही बना दी भाई एसओपी पे। और बताओ, मैं गाइस आपको बताऊंगा कि हाँ जी, ऐसे एसओपी में आपने कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से पॉइंट्स आपने ऐड करने हैं टू मेक इट मोर इफेक्टिव, एंड क्या क्या चीजें होती हैं जो उसमें हमें मेंशन करनी होती हैं, वो सारी चीजें गाइस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जस्ट इमेजिन जी, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। हमेशा की तरह हम डिस्कस करेंगे जी प्रॉपर, एंड क्योंकि गाइस रिसेंटली कुछ लोगों के गाइस देखो रिफ्यूजल आए हैं, एंड उनका गाइस यही होता है, मेन एक जो रीजन आता है ना, मोस्ट कॉमन एक रीजन हम बोल सकते हैं, वो होता है जी कि आप वापस नहीं जाओगे। मतलब वंस योर स्टडी इज डन, यू विल नॉट गो बैक टू योर कंट्री। यही होता है जी, मोस्टली यही रीजन होता है, राइट। तो वही है जी, मैंने सोचा कि भाई एसओपी के थ्रू मैं आपको बता सकूं, मैं आपको समझा सकूं कि भाई कैसे हम उस चीज को ठीक कर सकते हैं, अगर हम दोबारा रीअप्लाई करने की बात कर रहे हैं, या फिर जब हम अप्लाई करते भी हैं उस टाइम पे हम कैसे उस चीज को कवर अप कर सकते हैं, उस चीज को और इफेक्टिव बना के हमारे जो वीजा के चांसेस होते हैं वो कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। तो मेक सेंस जी। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं जी। अगेन गाइस, स्टार्ट करने से पहले पहले तो भाई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। हम भी धड़ाधड़ वीडियो डालते हैं जी, आप भी धड़ाधड़ गाइस वॉच करते हो, ठीक है जी। हर गाइस देखो, हर कोई टॉपिक हमारा अलग होता है जी, ठीक है। अगर मैं वर्क वीजा पे डाल रहा हूँ गाइस, तो प्रोसेसिंग टाइम में चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए, स्टडी वीजा पे चेंजेस हुए हैं नहीं हुए, क्योंकि आईआरसीसी की तरफ से भी गाइस काफी चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है जी। तो हमें अप टू डेट रहना गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एट द सेम टाइम देखोगे आपको पता है गाइस विजिटर वीजा के चेंजेस होते रहते हैं, या फिर जैसे हमने अभी मैंने आईएलटीएस के रिगार्डिंग गाइस एक वीडियो डाली थी कि एसडीएस कैटेगरी में चेंजेस जो एक्सपेक्टेड है वो हमने बात की थी, एक्सप्रेस एंट्री के बारे में बात की थी, पीएनपी के ड्रॉज के बारे में बात की थी। तो गाइस काफी चीजें हम इस चैनल पे डिस्कस करते रहते हैं, तो यही हमारा काम है जी चैनल पे, इनफॉर्मल डिस्कशन रखते हैं ताकि आपको कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सको जी कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है जी। तो जी बात स्टार्ट करते हैं जी एसओपी की, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ठीक है जी। इसमें गाइस मैं आपको बता दूं जी, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है गाइस जिसमें हम मोस्टली ये चीजें डिस्कस करते हैं, ये चीज हम मेंशन करते हैं। पहले तो जी, आप ये पर्टिकुलर कंट्री क्यों चूज कर रहे हो, यहीं क्यों आना है, कनाडा में ही क्यों आना है भाई, ऑस्ट्रेलिया भी है, न्यूजीलैंड भी है, कोई और कंट्रीज भी हैं, कनाडा ही क्यों आना है। तो आपके पास जबरदस्त पॉइंट होने चाहिए भाई पहले तो इस चीज के लिए भाई, कि आपने कनाडा आना क्यों है। दूसरा, यही कॉलेज क्यों, ये भाई कॉलेज क्यों, सैनिका है, लैम्पटन है, डुरम कॉलेज है, ये है वो है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, ये वाला कॉलेज ही आपने क्यों सिलेक्ट किया, बताओ जी इसका रीजन बताओ। तीसरा, ये वाला कोर्स ही क्यों, ये वाला कोर्स ही क्यों, ये गाइस एक पॉइंट हो गया, ठीक है जी। तो गाइस इन चीजों को इफेक्टिव बनाना आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एक आता है गाइस इसके बाद, क्या चांसेस हैं, क्या श्योरिटी है भाई कि हाँ जी आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद वापिस चले जाओगे आप, क्या श्योरिटी है, और क्या श्योरिटी है भाई अपने एक्सपेंसेस आप मैनेज कर सकते हो वहां पे, क्या 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 श्योरिटी क्या इस चीज की, वो सारी चीजें। तो वो सारी चीजें मेन मेन गाइस मैं आपको बता रहा हूँ जी, ये सब चीजें गाइस आपने डिस्कस करनी है। साथ के साथ आपने गाइस ये भी मेंशन करना होता है कि हाँ जी भाई देखो जी मेरे पास ये अगर स्टडी गैप है तो ये था जी, मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस ये था, मैंने ये किया हुआ है और ये सब चीजें मेरी लाइफ में चल रही हैं, बेसिक चीजें, ठीक है जी। अब देखो जी, कनाडा क्यों, कनाडा के तो चलो आप बोल दोगे कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला कॉलेज क्यों गाइस वो भी ठीक है जी आप मेंशन कर सकते हो। अब देखो जी, ये वाला कोर्स क्यों, ये कोर्स गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर्स की गाइस मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, टिक देता हूँ कि हाँ जी भाई
आपने चुपचाप अपने कोर्स के कुछ 3-4 सब्जेक्ट ढूंढ लेने हैं जी, ठीक है जी, उसको अपने फील्ड के साथ उसको आप मैच करवा दो, उसके साथ आप रिलेट कर दो अपनी एसओपी में भी, हाँ भाई ये चीजें हैं जी और ये चीजें थी और मुझे फर्दर स्टडी चाहिए, स्टडी मुझे फर्दर मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, फर्दर मुझे स्किल्स चाहिए इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए, इसलिए मैं ये स्टडी कर रहा हूँ और ये मुझे स्किल सेट चाहिए, ये सब्जेक्ट होंगे मुझे हेल्प करेंगे ये पर्टिकुलर स्किल सेट के लिए, बात खत्म, बात खत्म। अब लोग क्या करते हैं ना, वो रिलेट ही नहीं करते, भाई कोर्स आपका ये है, आपका आपका एक्सपीरियंस कहीं और है या बैकग्राउंड आपका कुछ और है, तो मिसमैच हो गया ना भाई, तो फिर रिफ्यूजल के तो चांसेस अपने आप बनेंगे, खुद सोचो यार, रिफ्यूजल के चांसेस तो वैसे अपने आप ही बनेंगे ना। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, जो आप करते हो जी, जिसमें आपका एक्सपीरियंस है, जिसमें आपकी स्टडी है, उसको आपने रिलेट करना है किसके साथ, अपने कोर्स के साथ। अगर वो आपने इफेक्टिव वे में कर दिया, 50-60% चांसेस आपके बन गए, ठीक है जी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और गाइस, क्या होती है जी भाई, श्योरिटी क्या है, क्या वापिस आ जाओगे। उससे पहले गाइस एक और चीज है, अपने फाइनेंसेस वगैरह वो खर्चे कैसे निकालोगे, जो GIC वो आप मेंशन कर सकते हो जी कि हाँ जी भाई देखो जी हमारे पास सर्टिफिकेट है, हमने 10,000 के आसपास का डॉलर हमारे हमने ऑलरेडी दिए हुए हैं जी, हम खर्चे निकाल सकते हैं, कोई चक्कर नहीं, वो तो चलो आपका कवर अप हो जाएगा वहां पे। बाकी आप बोल सकते हो कि पेरेंट्स की क्योंकि ITR वगैरह आई थिंक आप लगाते हो राइट, तो उससे भी गाइज वो श्योरिटी हो जाएगी, दैट्स नॉट अ बिग डील। बट पॉइंट इज, जब ये आप बोलते हो कि भाई वापिस मैं आऊंगा, किस बेसिस पे बोलते हो, वो आपको गाइज एक स्ट्रांग पॉइंट ढूंढना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपका स्ट्रांग पॉइंट गाइज आपको मिल गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल गाइज कोई किसी की प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो आप बोल सकते हो कि हाँ जी भाई मुझे आके ये सब चीजें संभालनी है, या बिजनेस है किसी का मुझे आके संभालनी है, ठीक है, या फिर ये आप बोल सकते हो कि हाँ जी भाई मैं अपने करियर में और फर्दर करना चाहता हूँ, इस पर्टिकुलर कंपनी में जॉब करना चाहता हूँ, जस्ट लाइक टू मेक इट मोर एंड मोर इफेक्टिव, जिससे आप प्रूव कर सको कि हाँ जी भाई ये देखो मैं भाई ये चीज प्लान कर रहा हूँ और दैट्स व्हाई आई हैव टू कम बैक टू माय कंट्री, मेक सेंस राइट। और गाइज ये सब चीजें, ये आपने सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है गाइज, क्योंकि आप कभी देखो एक चीज और है कि हाँ जी भाई आप बोल सकते हो, अगर मान लो आप अकेले अपने पेरेंट्स के सन या डॉटर राइट, तो आप बोल सकते हो कि हाँ जी मुझे अपनी फैमिली का लुक आफ्टर करना है, उनकी देखभाल करनी है, मुझे सब चीजें देखनी है, यहाँ पे उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, ये वो ब्ला ब्ला सारी चीजें राइट। अगर वो सारी चीजें आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो उसमें, देखो ये सारे के साथ मैं अपनी SOP भी शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, कहीं ना कहीं आपको बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी गाइज, आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ जी भाई मैंने अपनी SOP कैसे बनाई थी और मेरी विद इन अ वीक आई थिंक मेरी PPR आ गई थी भाई, जस्ट इमेजिन, ठीक है जी। तो गाइज ये चीजें हैं जी, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, आई होप आपको गाइज एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि हाँ जी किन किन चीजों का आपने मेनली ध्यान रखना है। बाकी गाइज SOP अगर आपकी स्ट्रांग है तो आपकी वीजा के चांसेस वैसे ही गाइज 70-80% हो जाते हैं राइट। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट गाइज, रेडी वीजा के लिए अगेन 7 वीक्स का गाइज प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है जी, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, ट्राई टू मेक योर फाइल मोर एंड मोर इफेक्टिव, मोर एंड मोर आई मीन जितना आप कर सकते हो गाइज उसको और इफेक्टिव बनाओ, ठीक है जी। बाकी गाइज चैनल पे और डिस्कशन हम करते रहेंगे, इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरीज गाइस पूछ सकते हो जी, कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल सकते हो, आई ट्राई टू आंसर एज सून एज पॉसिबल। बाकी गाइज मेहनत करते रहिए जी, रब दे भरोसा रखो गाइस, सारे काम हो जाने हैं, किसी का जो जाना, किसी का कल होना है, किसी का 2-4 दिन बाद हो जाना, सारा दे काम हो जाने का, जस्ट स्टे पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड एंड गाइज मेहनत करते रहो, स्किल्स इनकलकेट करते रहो, ठीक है जी। आई विश यू ऑल द बेस्ट गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना गाइस, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओके, लव यू गाइस, टेक केयर, एंजॉय, अपना ध्यान रखना भाई, बाय 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 बाय, टेक केयर, बाय।